गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुश आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड के गुमला जिला को लेकर आई हूँ और जानेंगे आज गुमला जिला के बारे में। तो सबसे पहले ये जाने कि आखिर ये गुमला वर्ड कैसे बना। तो गुमला में जो है गो मेला लगता था जो कि प्रति वर्ष एक सप्ताह का होता था। इस गो मेला में सब गाय की खरीद बिक्री के साथ साथ और भी चीजें खरीद बिक्री होती थी। उसके अलावा आभूषण, बर्तन और जरूरत की सामानें भी इसी एक सप्ताह में लोग खरीद लिया करते थे। तो यहाँ से जाके गो मेला जो प्रतिवर्ष एक सप्ताह है, यहाँ से वर्ड आया गुमला का। उसी तरह नागपुरी और सादरी लोग भी इसी गुमला को गो मेला कहते थे। मुंदरी भाषा में चावल का प्रसंस्करण कार्य को गुमला कहा जाता है। इसकी स्थापना 18 मई 1983 को हुई और ये पहले रांची से था और रांची से अलग होके 18 मई 1983 में इसकी स्थापना हुई। क्षेत्रफल 5,360 किलोमीटर है जो कि ये दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व तो इसका 191 है, ये काफी न्यूनतम है और ये तीसरे स्थान पर है। अनुमंडल की संख्या 3 है, गुमला, बसिया, चैनपुर। प्रखंड की संख्या 12 है, गुमला, घाघरा, भरनो, बिशुनपुर, रायडी, सिसई, पालकोट, बसिया, कामदारा, चैनपुर, अलवर टेका और डुमरी। इस तरह से प्रखंड की संख्या 12 है। विधानसभा 3 है। सीमाएं देखिए तो ये जो आपका गुमला है वो झारखंड के कई जिलों से टच करते के साथ साथ छत्तीसगढ़ के जिला का जसपुर और सरगुजा को भी टच करता है। और झारखंड में लतेहार, लोहरदगा, लालव, फिर रांची, सिमडेगा, इस तरह से 4 जिला झारखंड से टच होता है और 2 जिला आपका छत्तीसगढ़ से टच होता है। नदियां दक्षिण कोयल नदी और शंख नदी, और जो ये शंख नदी है वो चैनपुर प्रखंड से ही इसकी उत्पत्ति होती है। खनिज बॉक्साइट, चूना पत्थर, अब्रक, सीसा, लोहा। बॉक्साइट लोहरदगा में सबसे ज्यादा होता है और लोहरदगा से ही टच है आपका गुमला, इसलिए गुमला में भी बॉक्साइट की मात्रा काफी है। घाघरा प्रखंड में कोरम्बो है जिसे छोटा नागपुर का हल्दी घाटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रक्सेलियों और नागवंशियों के बीच यहाँ पे भीषण युद्ध हुआ था और जो जिस तरह का युद्ध हुआ था वो हल्दी घाटी के युद्ध जैसा ही था, इसलिए कोरम्बो को हल्दी घाटी का नाम से जाना जाता है। नवरत्न का किला, नवरत्न का जो किला है वो दुर्जन शाह ने बनवाया था 1627 ईस्वी में, जब जहांगीर के कैद से जब वो रिहा के आए थे, तब उसने खोखरा बोली चाहे खोखरा से अपनी राजधानी को दोईसा में बदल दिया और वहां पर उन्होंने नवरत्नगढ़ का किला बनाया और वो किला उसमें 5 मंजिला का बनाया था। अभी वो 3 मंजिले का, 2 मंजिला जो है ढल गई है और वहीं से वो अपने झरोखा दर्शन का भी नियम यहाँ से चालू किया था और अपने जनता के दरबार को अपने हाथ या हिला के या अपनी बातें को वो सुनता था, इसलिए नवरत्न किला काफी महत्वपूर्ण है और इसे राष्ट्रीय धरोहर भी बनाया जा रहा है। पर्यटन स्थल में देख लें तो पर्यटन स्थल में महामाया मंदिर जो कि हापा मुनि गांव में है और ये घाघरा प्रखंड में है और इसे भी नागवंशी राजा गजघंट ने बनवाया था। टांगीनाथ मंदिर जो है इसलिए फेमस है कि यहाँ कहा जाता है कि परशुराम का यहाँ फरसा गड़ा हुआ। फरसा का मतलब यहाँ के बोलचाल में टांगी बोला जाता है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, परशुराम जो है जब राम ने धनुष तोड़ दिया था तो वो आए और काफी गुस्सा हुए, लेकिन जब पता चला कि ये इस भगवान के अवतार हैं तो उसे बहुत खराब लगा और वहां से भाग करके वो जंगल में जा करके तपस्या करने हुए, वही जंगल और वहीं पर उन्होंने अपना फरसा गाड़ा था, इसीलिए यह टांगीनाथ मंदिर से प्रसिद्ध हो गया। अंजन धाम जो माता अंजनी ने, कहा जाता है कि माता अंजनी ने यहाँ हनुमान जी को जन्म दिया था। वासुदेव राय मंदिर जो कोरम्बे में ही है और 1463 ईस्वी में ही इसकी स्थापना हुई है। रामरेखा मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि वनवास के दिनों में कुछ समय के लिए राम जी यहाँ ठहरे थे,
तो यहाँ रामरेखा मंदिर है और कार्तिक के महीने में यहाँ मेला भी लगता है। फिर उसके बाद नागफनी जगन्नाथ मंदिर भी है, देवाकी धाम मंदिर जो कि एक शिव जी की मंदिर है, ये घाग नदी पर है और घाघरा प्रखंड में है। फिर उसके बाद पालकोट अभ्यारण भी गुमला में ही है, ये क्वेश्चन आ भी चुका, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मुख्य रूप से भालू, लकड़ बग्घा, भेड़िया और सियार जैसे पशु भी मिलते हैं। फिर जलाशय में कतरी जलाशय, रामरेखा जलाशय, अपर शंख जलाशय, कंसजोर जलाशय काफी इम्पोर्टेंट है गुमला के लिए। उसके अलावा ये भी आपको पता है कि गुमला में कई जलप्रपात भी है, घाघरा जलपात, प्रेमा घाट जलप्रपात, हेपार, सगानी और नागफनी। उसके बाद रोड यदि बोला जाए तो गुमला में जो रोड क्रॉस होता है वो NH 43, फिर NH 143, NH 143A है। फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम और है अल्बर्ट एक्का का। अल्बर्ट एक्का जो है 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। ये थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लॉन्स के नायक थे। मरने उपरांत इसे परमवीर चक्र भी मिला है। गुमला में ही एक बसिया की जगह पे कौन भी नवा टोल का संत अन्ना चर्च है जो कि 131 साल पुराना है। और एक और इम्पोर्टेंट है कि अल्बर्ट एक्का के ही नाम पे अल्बर्ट एक्का स्टेडियम भी बनाया गया है। उसके बाद जाति भी यदि पूछे तो उराव, खरिया और मुंडा जनजाति है। तो इस तरह से अब इसकी देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न में गो मेला गुमला यदि कहीं हो जाए कि गुमला शब्द किससे बना है, गो प्लस मेला यदि दिया है तो ये ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद स्थापना कब हुई, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रफल 5,360 किलोमीटर याद रखना होगा क्योंकि ये दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व 191 और ये तीसरे स्थान पर है। अनुमंडल की संख्या 3, प्रखंड 12, विधानसभा 3, सीमाएं लतेहार, लोहरदगा, रांची, सिमडेगा और छत्तीसगढ़ में जसपुर और सरगुजा। नदियां दक्षिण कोयल, शंख नदी, खनिज में बॉक्साइट, चूना पत्थर है। घाघरा प्रखंड के कोरांबे को याद रखना जरूरी है जो कि हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। नवरत्न का किला जो दर्जन शाह ने डोईसा में बनवाया था, ये नवरत्न का किला आपका डोईसा में है। उसके बाद पर्यटन स्थल में यदि देखे तो महामाया मंदिर, टांगीनाथ का मंदिर, अंजना धाम, वासुदेव राय मंदिर, रामरेखा मंदिर, नागफनी जगन्नाथ और देवाकी धाम, ये सब भी काफी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि महामाया मंदिर किस जिला में है, तो आपको याद रखना होगा कि ये गुमला जिला में है। और उसके बाद जलप्रपात घाघरा जलप्रपात, यदि घाघरा प्रखंड है, घाग नदी है तो घाघरा जलप्रपात याद ही रहेगा। प्रेमा घाघ 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 ही है, हेपार, सघानी और नागफनी, ठीक है। अल्बर्ट एक्का किस जिला से बिलोंग करते हैं, तो वो गुमला से, और किस गांव से, तो जड़ी गांव से, ठीक है। भारत पाक के युद्ध में ये शहीद हुए थे। मरणोपरांत से परमवीर चक्र भी मिला है। उसके अलावा गुमला का बसिया में कोनबीर नवा टोली पे संत अन्ना चर्च है जो कि काफी पुराना है, 131 साल पुराना। अब जो मैंने सारे महत्वपूर्ण तथ्य भी लेके आई हूँ, अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट मंदिर है उसको भी मैं फोटो दे देती हूँ ताकि आप लोगों के माइंड पे वो बैठ जाए कि यह कौन से जिला में यह मंदिर है या कौन सी ये पर्यटन स्थल कहाँ है। आपको यह मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।